सोलन में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देखने में ये आया है कि सोलन में कोरोना के मामले बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण बढ़ रहे हैं। ये सोलन में चोर रास्तों से भी आ रहे हैं और कुछ लोग सोलन में आने की अपनी जानकारी जिला प्रशासन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। जिला प्रशासन का मानना है कि अगर इसी तरह लोग सोलन में आते रहे तो कोरोना संक्रमण के मामले सोलन में बेहद ज्यादा बढ़ सकते हैं। उन्होंने इन मामलों पर नियंत्रण करने के लिए अब सख्ती करनी आरंभ कर दी है। सबसे पहले उन्होंने सोलन के उन मकान मालिकों पर शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है जो बाहरी राज्यों से आने वाले अपने किराएदारों की सूचना पुलिस को नहीं दे रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि उपायुक्त सोलन केसी चमन के दिशा निर्देशों पर उन मकान मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं जो बाहरी राज्यों से सोलन में आने वाले अपने किराएदारों की सूचना पुलिस को नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी छुपाने के चलते दो दिनों में चार मकान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिए गए हैं। ये कार्रवाई भविष्य में भी यूं ही जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूर एक कमरे में 20 से 25 की संख्या में रह रहे हैं। इसकी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए, लेकिन ये जानकारी मकान मालिक पुलिस को नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते सोलन में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं सोलन हेडक्वार्टर पे कि लोगों ने बिना पुलिस को सूचित किए हुए अपने किराएदारों को रखा है, तो जिस वजह से जो है वो कोरोना फैलने का डर है। इस करके हम जो मकान मालिक हैं जिन्होंने सूचित नहीं किया उनके खिलाफ हम 188 IPC की कार्रवाई करें। इस संदर्भ में DC साहब ने भी आदेश जारी किए हैं कि कोई भी किसी का किराएदार आएगा तो पुलिस को सूचित करेंगे। आजकल ड्यू टू कोरोना स्प्रेड की वजह से उनकी लिविंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि कमरे में 20-20 लोग रह रहे हैं, तो एक तो पुलिस को ज्ञात हो और उनकी जो कंडीशन है उसको हम चेक कर सकेंगे कि किस कंडीशन में रह रहे हैं ताकि कोरोना स्प्रेड ना हो। अभी दो दिनों में हमने चार मामले दर्ज किए हैं मकान मालिकों के खिलाफ जिन्होंने बिना पुलिस को सूचित किए हुए जो है मजदूरों को रखा था।